हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चैनल का एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है, आज कौन सा डे है भूल गई, आज है ट्यूजडे। और अभी मैं लंच कर रही थी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आज का लंच मेनू में क्या क्या है। चलिए देख के आते हैं आज का लंच मेनू कैसा है। और लंच कंप्लीट नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा ही बाकी था। उसी टाइम पे मुझे मिला है एक पार्सल जो फ्लिपकार्ट से आया है। इस पार्सल में क्या है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, बट उससे पहले मैं खाना खा के आ जाती हूँ। आज है मेरे पीरियड का लास्ट डे, और पीरियड के टाइम पे और पीरियड के शुरू होने से पहले मैं बहुत ही लाइट सा खाना खाती हूँ। इसलिए पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तब मुझे थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा अच्छा वाला मेनू खाने को मन करता है। इसीलिए आज घर में बनने वाला है हिल्सा फिश का कारी, और उसी का प्रिपरेशन मैं अभी कर रही हूँ। और राइस भी ऑलमोस्ट रेडी है। हिंदू रिचुअल्स के अनुसार पीरियड टाइम में पूजा रूम में आना माना होता है। मैं 2-3 दिन से पूजा रूम में नहीं आई थी, तो आज मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ और इसीलिए आ गई हूँ पूजा रूम में, क्योंकि हर रोज़ पूजा रूम में आना मेरा एक रेगुलर शेड्यूल के अंदर पड़ता है, जो मैं पीरियड टाइम में बहुत मिस करती हूँ। वैसे तो पीरियड के दिन में कुछ भी मैं स्पेशल नहीं करती हूँ, नॉर्मल डे के तरह ही होता है मेरा पीरियड्स डे। बट थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ चीज़ें मैं इस टाइम पे मेंटेन करती हूँ, जैसे हाइजीन मैं प्रॉपरली मेंटेन करती हूँ, खाना मैं एकदम लाइट खाना खाती हूँ, और कपड़े के बारे में भी बहुत चूजी हूँ मैं इस टाइम पर। और इन दिनों में मैं बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हेयर फॉलिकल एकदम ओपन होता है, जिससे पानी अंदर जाने का और ठंड लगने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए इस टाइम पे बालों को वॉश करना मना होता है। इस टाइम पे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उसके वजह से स्किन बहुत ही डल दिखते हैं। इसीलिए इस टाइम पे मैं अपना स्किन केयर प्रॉपरली मेंटेन करती हूँ। बट आज मुझे बहुत भूख लग गया है, बहुत ही लेट हो गई हूँ, इसीलिए मैंने अभी तक अपना स्किन केयर नहीं किया है, हेयर केयर भी नहीं किया है, सीधा आ गई हूँ खाना खाने के लिए। आज के लंच मेनू में हिल्सा फिश कारी के साथ था पम्पकिन का कारी, जो बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था, इसीलिए मैंने आज थोड़ा ज़्यादा खाना खाया। जब मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो सूखे हुए कपड़े को मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ। इसको एज ए डस्टबिन खरीदा है मैंने, वो भी धुले हुए कपड़े के लिए। जब से ये डब्बा आया है तब से यूज हो रहा था, फाइनली आज मुझे टाइम मिला है कि मैं इस डब्बे को खाली कर पाऊं। मैंने खाली कर दिया है और सारा चीजें लगभग रख दिया है अपने अपने जगह पे, और अभी थोड़ा सा बाकी है वो भी मैं कर लूंगी। और ये है मिनी का बास्केट, मिनी का कपड़े इधर रहते हैं, जैसे भी रहते हैं। कभी अगर टाइम मिलते हैं तो मैं अच्छे से रख देती हूँ, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो जैसे वो पता है वैसे ही रख देती हूँ। लेकिन इस डब्बे में ही मिनी का सारा कपड़ा रहते हैं। जैसे मैंने टॉवल रख दिया अभी, और उसका थोड़ा यूज किया हुआ ये कपड़ा रख दिया, ये मेरा है और ये किसका है, मिनी का ही है। पहले मैं रख दूंगी, डब्बे को कर दिया बंद, अभी इसको वापस रख दूंगी अलमीरा में। पीरियड के टाइम चलते हैं तो बहुत सारा इरिटेशन पैदा होता है शरीर में, जैसे कमर में दर्द, घुटने पे दर्द, या फिर थोड़ा थोड़ा लोअर एब्डोमिन में पेन, ये सब होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इस टाइम पे भी खुद को इतना एक्टिव रखना, ताकि मेरे मन में ज्यादा वो
पीरियड का जो फीलिंग्स है वो बैठ ना जाए। और जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब जब हेयर वॉश करती हूँ ना, पीरियड का जो बहुत ही एक इरिटेशन वाला जो फीलिंग्स है वो खत्म हो जाता है इस डे पे। और एकदम हेयर वॉश करके पूरा बॉडी को अच्छे से वॉश करके जब फ्रेश हो जाती हूँ ना, तब हर महीना मुझे लगता है एक नया जिंदगी मिल गया है मुझे। आज भी वैसा ही है, मेरे फेस में आप लोग ग्लो देख सकते हो कि मैं कितना फ्रेश दिख रही हूँ, कितना खुश दिख रही हूँ। इसमें रहते मेरे रेगुलर यूजर्स का ड्रेस, आप लोगों को तो पता है उसको भी रखना है। फाइनली अभी टाइम आ गया है कि मीशो से मुझे क्या मिला है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये तो कोई गिफ्ट नहीं है, मुझे पता ही है इसमें क्या है, लेकिन वो चीज कैसा है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनका अनबॉक्सिंग मैं इधर ही करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। आई होप बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि बाहर देख के ऐसा लग रहा है हाँ अच्छा ही है, लेकिन साइज में छोटा है। ये मैंने ऑर्डर किया था एक ब्रा, बहुत ही सुंदर है बट मेरे लिए छोटा हो गया है। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है बार बार। मैं जब भी कुछ बहुत मन करके पसंद करके खरीदती हूँ लेके आती हूँ तो कुछ ना कुछ गलत होना ही होना है उधर। देखिए कितना खूबसूरत था बट छोटा है, वापस करना पड़ेगा। और इसके साथ थे ऐसे एक इनरवेयर, बहुत ही सुंदर था, बस साइज में थोड़ा अगर बड़ा हो जाता तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया, क्या करें। बार बार देख रही हूँ और मन बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि इसका क्वालिटी सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें एक बहुत ही हार्ड पाइपिंग लगा हुआ है जो ब्रेस्ट का शेप को और भी अच्छा बनाता है। सो कुछ नहीं हो सकता इस चीज का, वापस करना पड़ेगा। सो गाइस आज का वीडियो यही तक का था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। टाटा गाइस।